Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel, Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की. सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में. कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी. डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा. ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत. आज का हमारा टॉपिक रहेगा रॉक्स एंड मिनरल्स. हम क्या पढ़ेंगे? रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में. हाँ, हमारा चैप्टर थोड़ा सा छोटा है और जस्ट फैक्ट बेस्ड है. मतलब उसमें क्या है, जो चीज़ दी है वो लर्न करना है, समझना है. तो ये चैप्टर थोड़ा इसी पे बेस्ड रहेगा. इंटीरियर ऑफ अर्थ, जैसे हमने लेयर्स पढ़ी, कितने किलोमीटर की, किसके कॉन्टिनेंटल मास या किसका टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल कितने, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा, मैं समझती हूँ. बट कोई बात नहीं, चीज़ों को हम आराम से समझेंगे और MCQs में या NCERT सॉल्यूशन में तो फिर से दोबारा कवर करेंगे ही करेंगे. रिविजन भी होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. मैं समझ रही हूँ इस चैप्टर को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा आपको, ठीक है भाई, टेंशन दूर करते हैं. उससे पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और क्या करें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके बता दीजिए कि बस मैम हम क्या हैं, रेडी हैं सेकंड टॉपिक के लिए. पहले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपकी टेंशन को दूर करना. रिपीट क्या करूँ भाई, हमने देखा था ऐसे अर्थ है, तो अर्थ की जो इनर मोस्ट, जो सबसे फर्स्ट जो हमने लेयर देखी थी, जो कि इनर मोस्ट बोल रही हूँ, सॉरी अपर मोस्ट लेयर है और सबसे थिनेस्ट लेयर. कौन सी लेयर हम बोल रहे हैं? पहली हमने देखी थी क्रस्ट. चलो मैं इसको अभी हटा ही देती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमें याद आ जाएगा. यहाँ पे अगर मैं बना दूँ ऐसे करके, हमने देखा था, और ये जो याली लेयर है, अगर मैं फर्स्ट लिख दूँ, तो फर्स्ट हमने कौन सी देखी थी? क्रस्ट देखी थी. क्रस्ट की क्या खास बात देखी थी हमने? क्रस्ट की खास बात देखी थी हमने, अपर मोस्ट लेयर थी, अपर मोस्ट लेयर थी, और कैसी थी? थिनेस्ट लेयर थी. सही बात है ना, मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रही? यही था ना, यही हमने देखा था. और हमने क्या देखा था? हमने देखा था इसके कॉन्टिनेंटल मास या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह लीजिए, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल्स थे कौन से थे, मैं रिकॉल इसलिए करा रही हूं ताकि याद आ जाए आपको, ठीक है? कौन से मिनरल थे भाई? हमने देखा था, हमने बात करी थी अपना, रुको, सिलिका और एल्यूमिना देखी थी, जिसको हम क्या लिख रहे थे, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे थे. अगर हम सिर्फ SI और AL को ले रहे थे तो हम लिख रहे थे CL. ये हमने किसका देखा था? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का देखा था. देन हमने दूसरा भी देखा था कि इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट दोनों है. ओशन फ्लोर, कॉन्टिनेंटल फ्लोर, मतलब सॉरी क्रस्ट दोनों थे किसमें? इस क्रस्ट में, अपर मोस्ट जो लेयर है इसमें. लेयर कैसी होती है अर्थ की? प्याज जैसी, ऑनियन जैसी लेयर होती है. जैसे तो क्रस्ट क्या है? हमारी सबसे पहली लेयर थी, अपर मोस्ट थी. कैसी थी ये अगर मैं बना दूँ, तो यहाँ की सबसे अपर मोस्ट लेयर थी हमारी क्रस्ट थी. थिनेस भी थी, इसमें हमने दो मास देखे थे, दो चीज़ें देखी थी. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का देखा था कि 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कवर करता है, और 5 किलोमीटर हमने देखा था कौन सा हमारा ओशन फ्लोर कवर करता है, ऐसा कुछ हमने देखा था. याद आया? भूले तो नहीं, याद आ गया ना, ठीक है. हमने क्या देखा था कि मिनरल कौन से इसमें मतलब उससे बनते हैं. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जो रहते हैं, वो सिलिका और एल्यूमिनिया. क्या रहता है भाई हमारा? सिलिका और एल्यूमिनिया. ओके, सो क्या था भाई, हम क्या बोल रहे थे कि 35 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंटल मास, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और 5 किलोमीटर कितना था? ओशन फ्लोर. सही, हमने देखा था. चलिए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? क्रस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद हमने क्या देखा था, जो मिनरल, जिन मिनरल से बन के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बन रहा है. अब कोई चीज़ है, कोई लेयर है, तो किसी चीज़ से तो बन रही होगी, तो मिनरल से बन रही है. कौन से मिनरल से बन रही है भाई? सिलिका और एल्यूमिना से बन रही है. क्या बोल रहे हैं हम इसको? सियाल बोल रहे हैं, ठीक है भाई. उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बाद हमने देखा था ओशन सोर्स का, या ओशन क्रस्ट कह लीजिए, ओशन क्रस्ट का ये किससे बन रहा था भाई? इसके मिनरल्स कौन से थे? इसके मिनरल थे सिलिका एंड, या और कर लेती हूं, चलो मैग्नीशियम. सिलिका और मैग्नीशियम थे, जिसको मिला के हम क्या बोल रहे थे, जिसको मिला के हम बोल रहे थे SiO, Mo को हम मिला के बोल रहे थे सीमा.
क्या बना दिया था भाई, हमने सीमा बना दिया था, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म सीएल और इसका सीमा, तो ये हमने क्रस्ट के बारे में पढ़ा। देन हमने सेकंड क्या पढ़ा था, सेकंड याद है किसी को, सेकंड हमने मेंटल जो पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई, मेंटल पढ़ी थी, मेंटल लेयर पढ़ी थी, मेंटल कोई है वो हेल्थ वाला मेंटल नहीं, हमने देखा था ना अर्थ ऐसा था, तो अर्थ में इस टाइप का ऐसा कुछ डिवाइडेड था, ऐसी कुछ लेयर बनी हुई थी इस टाइप से, ऐसे ऐसे इस टाइप से लेयर बनी थी, तो हमने बोला था अपर मोस्ट हमारी क्रस्ट हो गई, हमने क्रस्ट देखी थी। दूसरी हम कौन सी लेयर देख रहे थे, हम ये देख रहे थे वाली लेयर में, हम कह रहे थे मेंटल है, कौन सी लेयर है, हम कह रहे थे भाई ये मेंटल लेयर है, याद आई। फिर थर्ड हमने पढ़ी थी जो बिल्कुल सेंटर अंदर की जो पढ़ी थी हमने, इनर मोस्ट, थर्ड कौन सी थी हमारी, थर्ड थी हमारी कोर। अब अगर हमने कोर का देखा था याद करें, तो कोर हमारी थी इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर थी, इनर मोस्ट लेयर थी, ठीक है भाई। और इसका क्या था खास बात थी कि भाई इसका प्रेशर वेरी हाई टेम्परेचर रहता है, इसका टेम्परेचर कैसा रहता है, वेरी हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा रहता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। हमने देखा था कि कौन से मिनरल से कॉन्स्टिट्यूंट, मतलब जो मेन मिनरल इससे बनते हैं, किन से बनते हैं, जो इसके मिनरल्स थे, कुछ याद आ रहा है, हमने देखा था नीफे, नीफे में क्या देखा था हमने, निकेल और फेरस, निकेल और फेरस, फेरस मतलब हमने बोला निकेल और आयरन, आयरन भी कह लो उसको, हमने क्या लिया था, एनआई लिया था और एफ लिया था, क्या लिया था हमने, एनआई और एफ लिया था, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे थे नीफे, याद आया कुछ, हम इसको बोल रहे थे निफे, आई है सॉरी टी हो गया निफे। ये हमारा तीन लेयर थी, क्रस्ट थी, मेंटल थी और कोर थी, ये हमने बहुत अच्छे से जानी थी। अब आपको याद आ गया मैंने बनाया, अब तो टेंशन नहीं हो रही, याद आ गया ना, इसीलिए मैंने रिवाइज कराया, मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं समझ रही थी हो सकता माइंड में टेंशन हो कि मैम लास्ट क्लास का थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा है ना कि जो है वही हमें पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा उसमें हमें समझाने का क्या है, क्योंकि भाई ये लेयर है ये पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीरियर है, तो ऐसे इसमें चैप्टर में रहने वाला है, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैंने बिल्कुल जिम्मेदारी ली है, बीड़ा उठाया कि आपको अच्छे समझा के ही रहूँगी, क्योंकि आप मुझे पेट्रोल दे रहे ना लाइक कर रहे हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। अब समझते हैं भाई ये टॉपिक, पुराना तो हमने रिवाइज कर लिया बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके, कोई जल्दीबाजी से नहीं किया। अब हमारा रहेगा भाई रॉक एंड मिनरल। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक। क्रस्ट क्या था, क्रस्ट ये नहीं भूलना है, क्रस्ट ये हमारी जो पहली लेयर थी, जो फर्स्ट लेयर थी, जो अपर मोस्ट और थिनेस्ट लेयर थी, किसकी बात हो रही है, क्रस्ट की, जो अपर मोस्ट और वो लेयर थी, थिनेस्ट लेयर थी, क्रस्ट की बात हो रही, तो क्रस्ट किससे बना है, क्रस्ट इज द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। भाई बहुत सारी अलग अलग रॉक्स से बनी हुई है जो है क्रस्ट। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। अब क्या होगा, कोई भी ऐसा नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, मतलब ये जो अर्थ का क्रस्ट बन रहा है ना, तो कोई भी मिनरल मास क्या हो रहा है भाई, मैटर जो मिल रहा है, मिलके बन रहा है, तो वो क्या बनाता है, रॉक बनाता है। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। भाई जो रॉक है, जो रॉक है वो अलग अलग कलर, अलग अलग साइज और अलग अलग टेक्सचर के हो सकते हैं, ये याद रखना। रॉक्स किस टाइप के हो सकते हैं, रॉक्स अलग अलग टाइप, टेक्सचर और साइज के हो सकते हैं, और अर्थ की जो क्रस्ट है किससे बनी होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से। आया समझ में। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। भाई तीन मेजर टाइप की रॉक्स होती है, कौन सी होगी, इग्नियस रॉक होगी, मैंने बताई थी ना, जैसे एक इग्नियस रॉक है, दूसरी हमें मिलेगी सेडिमेंट्री रॉक, तीसरी है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ये रॉक का भाई बात कहाँ से, क्योंकि हमने देखा जो अर्थ का क्रस्ट है वो अलग अलग टाइप की रॉक से बना होता है, अलग अलग टाइप की रॉक हम कह रहे हैं, तो जो अलग अलग टाइप की रॉक है तो कैसी दिखेंगी, इनका टेक्सचर अलग होगा, इनका साइज अलग होगा, इनका कलर अलग होगा। कितने टाइप्स की रॉक है, थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, कौन सी, इग्नियस होती है, सेडिमेंट्री होती है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। आया समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, आ गया ना, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ, यहाँ पे मैं अगर इसको बना लूँ, लिख लूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा ना किसकी बात हो रही है, रॉक्स की, रॉक्स की बात हो रही है। कौन सी है, पहली यहीं पे देख लेते हैं, थ्री टाइप्स की रॉक है, वन टू थ्री, ऐसे आप समझ जाएंगे। पहली हमारी इग्नियस है, दूसरी हमारी है सेडिमेंट्री,
क्या है चार्ट फॉर्म में जल्दी याद होती चीजें. तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक, इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं यहाँ पे. थर्ड मेटामॉर्फिक, तीन टाइप की हमारी रॉक होती है भाई. इग्नियस ये हमारी आई है, इग्नियस है, एन है, वो एच नहीं समझना जी, इग्नियस है, सेडिमेंट्री रॉक होती है. तीसरी मेटामॉर्फिक इस तरीके से कैसी होती है, इनका जो कलर साइज टेक्सचर अलग अलग टाइप का होता है, याद रखना. वर्ड ओरिजिन, अब इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक इनका जो वर्ड कहाँ से आया और इनका मतलब क्या है, लिटरल एक मीनिंग क्या है. इग्नियस की बात करें तो लैटिन वर्ड से आया जिसका मतलब होता है इग्निस, जिसका मतलब होता है इग्नियस मींस फायर. इग्नियस रॉक की बात करें, मतलब इग्नियस जो वर्ड आया इग्नियस रॉक में से हमने देखा, तो वो लैटिन वर्ड से है जिसका मतलब, लैटिन वर्ड कौन सा, लैटिन वर्ड इग्निस से आया, मतलब लैटिन वर्ड इग्निस से है जिसका मतलब है फायर, आग. सेडिमेंट्री की बात करें तो लैटिन वर्ड सेडिमेंटम इससे आया है, सेडिमेंट्री सेडिमेंटम वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, कहीं पे सेटल हो जाना. क्या मतलब होता है जिसका, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन, सेटल हो जाना. मेटामॉर्फिक की बात करें तो मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है मेटामॉर्फिस, किस वर्ड से आया, मेटामॉर्फिस, जिसका मतलब होता है फॉर्म में चेंज होना, चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब किसी फॉर्म में चेंज होना. तो ये तीनों जो रॉक के जो हमने फर्स्ट वो लिए हैं वो कहाँ कहाँ से आए, उनका असली मीनिंग क्या है वो देखा हमने. तो भाई वर्ड ओरिजिन लैटिन से है इग्नियस, जिसका मतलब फायर होता है, सेडिमेंट्री का मतलब होता है सेटल डाउन होना, और मेटामॉर्फिक का मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म. आया समझ में, आगे बढ़े चलिए. व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, मॉल्टन मतलब पिघला हुआ, मेल्ट बोलते हैं जैसे पिघला हुआ, पिघलना. तो व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स, जब जो पिघला हुआ मैग्मा कूल होता है, ठंडा होता है, इट बिकम्स सॉलिड. जब मॉल्टन मैग्मा कूल्स होता है, कूल होता है, तो भाई ठंडा हो जाता है, मतलब सॉरी सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है. रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स. अब क्या होता है जब कोई मॉल्टन मैग्मा, कैसे मॉल्टन मैग्मा कूल्स, डाउन क्या बनते, बिकम्स सॉलिड, सॉलिड बनते, दैट मीन्स रॉक फॉर्म होती है, रॉक बनती है. क्या लिखा है, लिखा है ना, रॉक्स दस फॉर्म कौन सी रॉक बनती है, वो होती है इग्नियस रॉक. कौन सी रॉक रहती है, ये होती है इग्नियस रॉक, जिसको एक चीज और बोलते हैं, जिसको एक चीज और क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी रॉक भी बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं. तो मैंने आपको ऐसा इसलिए बता दिया ताकि ये जो लिखा है आपको यहां समझ में आ जाए. मॉल्टन मैग्मा जब क्या होता है, ठंडा होता है, जब पिघला हुआ मैग्मा पिघलता है, जो पिघला हुआ रहता है वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाता है. अब जब वो सॉलिड हो जाता है तो एक रॉक बनता है, कौन सा रॉक बनता है, वो सेडिमेंट्री रॉक, सॉरी इग्नियस रॉक जिसे बोलते हैं. क्या बोलते हैं भाई, ऐसा रॉक बनता है जिसे बोलते हैं अब इग्नियस रॉक. मतलब जब मॉल्टन मैग्मा पिघलेगा, सॉलिड बन जाएगा, हार्ड बन जाएगा, तो उससे क्या बनेगा, रॉक बनेगा. जो कौन सी रॉक होती है, जिसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक. इग्नियस रॉक को और क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. अगर हम इग्नियस रॉक के टाइप देखें तो दो टाइप की होती हैं, एक इंट्रूसिव होती है और एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं. ठीक है, दो टाइप की इग्नियस रॉक होती है. इग्नियस रॉक कैसे बनती है मेरे साथ बोलो, जब मैग्मा जो मॉल्टन मैग्मा है कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, सॉलिड बन जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन के वो एक रॉक फॉर्म करता है, एक रॉक फॉर्म होगा तो वो रॉक होते हैं इग्नियस रॉक. आया समझ में, हमने क्या देखा, इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है. दो टाइप होते हैं, हमने देखा एक इंट्रूसिव होता है, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने देखा एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं. आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस, कभी आपने इमेजिन करा है जब लावा वॉल्केनोस से भाई ऊपर आते हैं, कमिंग आउट फ्रॉम वॉल्केनोस. हम देखते हैं ना मूवीज वगैरह में, रियल में तो हो सकता है बहुत कम लोगों ने देखा हो या नहीं देखा हो, बट हम मूवीज या कार्टून वगैरह में देखते तो कैसे वॉल्केनो किस टाइप के लगते हैं, याद आएगा वॉल्केनो, बताओ क्या होते हैं सबसे पहले, कैसे दिखते हैं थोड़े, हम देखते हैं ना वॉल्केनो ऐसे रहेंगे, इस टाइप के ऐसे रहेंगे, यहाँ से ऐसा कुछ
ऐसा सा रहता है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लावा ऐसे निकल रहा है, ऐसे पिघल के इस टाइप का ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा वॉल्केनो का मतलब इस टाइप का रहता है। तो अब आपको इमेजिन करना है कि आप सोचिए कि लावा जब वॉल्केनो से बाहर आ रहा है, लावा इज एक्चुअली फेरी रेड मॉल्टन मैग्मा, मतलब फायरी रेड, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लाल, बहुत खतरनाक, बहुत गर्म ऐसा इस टाइप का मॉल्टन मैग्मा, मतलब पिघला हुआ मैग्मा रहता है जो कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। मतलब क्या होता है, जो अर्थ के अंदर से ऐसे आता है, उठ के आता है अर्थ के अंदर से, जब क्या होता है अच्छा गर्म फेरी रेड मॉल्टन मैग्मा आता है, जब अच्छा गर्म लाल कलर में, बहुत ही लाल कलर में, कैसा फायरी मतलब इस टाइप का सा गर्म मैग्मा निकल के आता है, कहाँ से आएगा, अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के कहाँ से, अर्थ के इंटीरियर से। हमने पढ़ा था ना, हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जब अर्थ के इंटीरियर से ऐसे मॉल्टन मैग्मा अच्छा रेड कलर का, अच्छा गर्म ऐसे टाइप का फेरी रेड ऐसा आता है मैग्मा मॉल्टन ऐसा आता है, कहाँ आता है, इसकी सरफेस में। लावा क्या होता है, इसलिए हमें समझना है कि लावा बेसिकली क्या होता है, कि जब मॉल्टन मैग्मा अच्छा गर्म जब आता है ऊपर अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, तो वो हो जाता है हमारा लावा। आया समझ में, कैसे आता है लावा, आप यही सोच रहे हैं ना कि कैसे आता है। तो बेसिकली लावा ऐसे आता है जब अच्छा गर्म मॉल्टन मैग्मा आता है अर्थ के इंटीरियर से, उसकी सरफेस में, अर्थ की सरफेस में आ जाता है, अंदर से लेके अर्थ की सरफेस में, तो वो हो जाता है लावा। आया समझ में क्या होता है लावा, कैसे आता है, अर्थ के अंदर से आता है अर्थ की सरफेस में, हो जाता है लावा, और अच्छा गर्म मॉल्टन मैग्मा रहता है वो। When this molten lava comes on the earth's surface, it's rapidly cools down and becomes solid. अब क्या होता है ना, हमें लगता है अच्छा गर्म ऐसे लावा आ रहा है, ठीक है, कैसा आ रहा है भाई, जो molten lava आ रहा है अर्थ की सरफेस से, है ना, अर्थ की सरफेस पर, मतलब इंटीरियर से आ रहा है और अर्थ की सरफेस पे आ रहा है, कैसा है, अच्छा गर्म, हमने बोला फायरी रेड, तो एकदम से वो ठंडा हो जाता है, और जब वो ठंडा होता है ना, सॉलिड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। इसीलिए जो रॉक इस टाइप की फॉर्म होती है अर्थ की क्रस्ट में, वो क्या होती है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक बोलते हैं उसको, जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्या है इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, हमने देखा था ना इग्नियस रॉक के टाइप्स, तो पहला क्या है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कैसे आती है, जब रॉक इस तरह से फॉर्म होता है, कैसे होता है, लावा निकला अर्थ के अंदर से, अच्छा गर्म लावा ऐसे अर्थ के अंदर से निकल रहा है इंटीरियर से और अर्थ की सरफेस में जा रहा है। अब वो सरफेस में ऐसा जो लावा निकला, एकदम से ठंडा हुआ और कैसा हो गया, एकदम से कूल डाउन हुआ और क्या बन गया, हार्ड बन गया। अब वो जब सॉलिड बन गया, हार्ड बन गया, तो क्या फॉर्म हुआ भाई, जो फॉर्म हुआ हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बना। आया समझ में, दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही फाइन ग्रेन, बहुत ही वैसा फाइन, बिल्कुल फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसल्ट, द डेकन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसल्ट रॉक। अगर हम बात करें किस कैसा होता है, तो बेसल्ट हम देखेंगे तो बेसल्ट रॉक से डेकन प्लेट्यू बना हुआ है ना, किससे बना है डेकन प्लेट्यू, सुना है ना डेकन प्लेट्यू, तो डेकन प्लेट्यू किससे बना हुआ है, बेसल्ट रॉक से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए किसका एग्जाम्पल ये, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का, कैसे आया भाई, लावा अंदर से आया अर्थ के इंटीरियर से निकला और अर्थ के सरफेस पे आया, और जब ठंडा हो गया सॉलिड हो गया, तो इसी से बना एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। आया समझ में, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, चलिए। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कभी कभी क्या होता है, अर्थ के क्रस्ट में अंदर डीप क्या हो जाता है भाई, जो मॉल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है वहीं पर ही कूल डाउन हो जाता है, सॉलिड रॉक बनते। अब क्या होता है, बस ये ध्यान रखना, मैग्मा जब कूल डाउन हो तो सॉलिड रॉक बननी ही बननी है, तो बाहर हुआ तो एक्सट्रूसिव हो गया, जब अंदर ही हो रहा है तो वो हो जाता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, मतलब इंटर एक्स्ट्रा, आप समझ रहे, एक्स आ रहा है एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव यानी हम बोलते हैं बाहर, और इन मतलब अंदर, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो भाई जो अंदर ही हो रहा है, जो मॉल्टन मैग्मा अंदर ही ठंडा होके अर्थ की क्रस्ट में अंदर डीप साइड अंदर ही आया और वहीं ठंडा हो गया, और जो रॉक अंदर फॉर्म हो गई, तो वही हमारी हो जाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। कौन सी रॉक होती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, कैसे होते हैं भाई, एकदम से नहीं होते, धीरे धीरे कूल डाउन होते हैं, स्लो टाइम लगाते हैं, तो इनके जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो ग्रेनाइट क्या है, एज द एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक, अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो इस एग्जाम्पल, इस रॉक का एग्जाम्पल है क्या, ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट एंड पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट किससे बने होते हैं, जो ऐसे पत्थर होते हैं ना,
जिनमें हम पाउडर वाउडर स्पाइसेस क्या करते हैं, ऐसे वो पाउडर बनाते हैं उनका, ऐसे ऐसे कूटते हैं उनको, इस तरीके से घिसते हैं, इस तरीके से रहता है, तो किससे बना होता है वो? भाई ग्रेनाइट से बना होता है. ठीक है, किससे बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है. आया समझ में? एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव, भाई इंट्रूसिव जो अंदर हो रहा है, अंदर ही क्या, धीरे धीरे कूल डाउन हो रहा है और रॉक जो है सॉलिड हो जा रही है, मतलब जो मॉल्टन मैग्मा है ठंडा होकर सॉलिड हो जा रहा है, तो अंदर ही जो रॉक बन रही है वो होती है हमारी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. आया समझ में? कोई दिक्कत दर्द परेशानी तो नहीं? आगे बढ़े. चल, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स. कई बार क्या होता है, जो रॉक्स होती है नीचे को खिसकती हैं, टूटती हैं और एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और टूट जाती हैं तो क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. ऑब्वियसली रॉक्स जब ऐसे रोल डाउन से बह कर आई, मतलब ऐसे रोल रोल डाउन होकर आई, फिर चटकी, क्रैक हुई, उसके बाद एक दूसरे से टकराई और क्या हो गया, ब्रोक हो गई, मतलब टूट गई. इसी से क्या बनते हैं, फ्रेगमेंट्स. और यही, दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. और यही स्मॉलर पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, यही स्मॉल पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं. हम दो तीन टाइप की रॉक पढ़ी थी ना हमने, कौन सी इग्नियस देखी थी, सेडिमेंट देखी थी, और तीसरी कौन सी, मेटामॉर्फिक. इग्नियस हमने पढ़ ली, इग्नियस के हमने दो टाइप देख लिए, कौन से, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. अब हमारी बारी आती है सेडिमेंट्री रॉक को पढ़ने की. तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या बता रहे हैं, जब जो रॉक क्या होगी, रोल डाउन होगी, ऐसे नीचे को आएगी, टकराएगी, क्रैक होगी, फिर टकराएगी और फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो यही स्मॉलर स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, इन्हीं को हम कहते हैं सेडिमेंट्स. अब आया समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? These sediments are transported and deposited by wind, water and etc. अब ये क्या होता है, sediments कैसे उड़ के जाते हैं भाई, wind के through चले गए या water के through एक जगह से दूसरी जगह, मतलब transport हो गए, shift हो गए. These loose sediments are compressed and hardened to form layer of rocks. अब क्या होती है, जो sediment उड़ के चली जाती है, पानी के साथ चली जाती है, तो धीरे धीरे जमती जाती है एक जगह. अब भाई कहीं ना कहीं तो जमेगी, तो क्या हो रहा है भाई, जो लूज हो जाते हैं सेडिमेंट्स और एक साथ ऐसे जमने लग जाते हैं, और क्या होते हैं, कड़क होने लग जाते हैं, हार्ड होने लग जाते हैं, और क्या करते हैं, अलग अलग एक जो लेयर जो रहती है, बनते 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 एक रॉक फॉर्म कर लेती है. दीज टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स. और इसी टाइप की रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं. मतलब जब रॉक टूटी, गिरी, ठीक है, तो फ्रेगमेंट्स में आई, वो क्या हो जाते हैं, वही पार्टिकल सेडिमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है भाई, अब ये जो सेडिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए. कैसे पहुंचेंगे, अपने आप तो मन करा उठ के तो जाएंगे नहीं, लिविंग थिंग तो है नहीं भाई, हवा या पानी के थ्रू बह के चले गए, हवा में उड़ के चले गए. अब धीरे धीरे जमते जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं. जब ये लेयर बनती जाती है, लेयर बनते बनते क्या फॉर्म करती है, ये बनाती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स. आया समझ में? ये देखिए, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. ये तो मेटामॉर्फिक रॉक में टर्न हो रही है, वो हम देखेंगे. ये तीसरा पार्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक, उसमें समझेंगे. आगे बढ़े. फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड. अगर हम बात करें सैंडस्टोन की, वो किससे बना होता है, सैंड के ऐसे छोटे छोटे रेतों के ऐसे ग्रेन्स रहते हैं ना, छोटे छोटे बारीक, उससे बना होता है हमारा सैंडस्टोन. These rocks may also contain fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. और इन रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स, जो हम बोलते हैं ना फॉसिल्स वगैरह, कहाँ से आते हैं, जो भी प्लांट्स के रिमेन हो गए या एनिमल की जो बॉडीज बोन्स वगैरह जो डिकम्पोज हो जाती है, उससे हमें मिलते हैं. तो ये रॉक्स क्या कंटेन करते हैं, इन रॉक्स के अंदर फॉसिल्स भी मिलेंगे. किसके भाई, रिमेन्स जो रहेंगे प्लांट के, एनिमल के, और जो छोटे मोटे इंसेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो कभी इस जगह पर रहे होंगे, तो उनके रिमेन्स जो होते हैं वो फॉसिल्स होते हैं. ठीक है, वो अच्छे रहते हैं उसके, तो वो रॉक्स ये कंटेन करती है, उस रॉक के अंदर ये चीज़ें हमें मिलेगी. फॉसिल क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स, मतलब मरे हुए पेड़ जो सूख जाते हैं, या मरे हुए एनिमल्स क्या होते हैं, ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ द रॉक्स. धीरे धीरे जो रॉक की लेयर में से दबते जाते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा फॉसिल्स. ठीक है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. अब बात आ जाती है हमारी थर्ड रॉक की. हमने क्या पढ़ा, हमने सेडिमेंट्री पढ़ा, उससे पहले हमने इग्नियस पढ़ा. अब तीसरा हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक. तो उसमें क्या था कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज होते हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक में, कैसे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, मूड हुआ चेंज हो गए, नहीं, अच्छी हीट और प्रेशर देंगे अगर उसमें, तो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक मिलके जब किसमें चेंज हो जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक में. आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. अगर हमें क्या करना है, क्ले को चेंज करना है स्लेट में और लाइमस्टोन को चेंज करना है मार्बल में, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है. क्यों? क्योंकि हम उन्हें हीट और प्रेशर दे रहे हैं. तो इस तरीके से भाई जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक में ट्रांसफर या कह सकते हैं चेंज हो सकती है. आया समझ में?
इतना आया समझ में कि नहीं आया. हमने क्या पढ़ा? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ा, देन हम मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आ गए. हमने क्या देखा कि भाई इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक मिलके बना रही हैं, सेडिमेंट्री रॉक मिलके बना रही है मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, आगे बढ़े. चल, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. भाई जो रॉक्स हैं बहुत ही यूजफुल और इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए. द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. जो हार्ड रॉक्स होती हैं, जो अच्छी हार्ड रॉक रहेंगी, उनसे रोड्स बनेंगी, उनसे घर बनेंगे और उनसे बिल्डिंग भी बनाई जाती है. यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स. स्टोन्स को तो हम बहुत सारे गेम्स में यूज़ कर सकते हैं. देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज़ है कि भाई रॉक से हम रोड बना रहे हैं, हम घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? हमारे लिविंग, हम रह रहे हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? है ना. ऐसे ही स्टोन्स हम अलग अलग गेम्स में भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे भाई 7 स्टोन्स हम पिट्टू एक गेम है उसमें खेलते हैं, देन हॉप स्कॉच किस में बोलते हैं, जैसे स्टापू किटकिट वो बोलते से फेंक के ऐसे उचकते हैं ना, ऐसे 1 2 3 लंगड़ी टाइप का, ऐसा बोलते हैं स्टापू. देन 5 स्टोन्स एंड गिट्टी, ऐसे वो उचका के वो खेलते हैं. तो ये सब चीज़ें हम स्टोन से खेलते हैं. तो कितने काम आते हैं रॉक्स एंड स्टोन्स हमारे लिए? डू यू नो, अगर यहाँ पे देखें, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 50% मेक्स द कोर. हमने क्या देखा था? 3 लेयर देखी थी. अब इसको यहाँ पे लिख के समझूं, क्रस्ट, सेकेंड हमने देखी थी मेंटल, मेंटल, थर्ड हमारी कौन सी है? थर्ड हमारी कोर है, जो हमारी सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जो हमारी कोर होती है. सेकेंड हमारा मेंटल है, फर्स्ट हमारी क्रस्ट है. अब इसमें क्या लिखा है वो समझना है. ये कह रहे हैं जो क्रस्ट फॉर्म होती है ना, सिर्फ 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के जो वॉल्यूम का सिर्फ 1% है इसका. जो हमारी भाई क्रस्ट है, सुनिए बिछारी, 1% की है बिछारी, देख रहे हैं आप, सिर्फ 1% वॉल्यूम से बनी है. देन जो दूसरी है हमारी, जो मेंटल है, वो 84% से बनी, 84% वॉल्यूम. देन हमारी जो कोर है वो बनी है हमारी 15%. तो यही लिखा है ना, जो वहाँ लिखा है बस मैं ऐसे लिख के बता रही हूँ कि जो हमारी तीनों लेयर है अर्थ की, क्रस्ट कितने वॉल्यूम, मतलब अर्थ के कितने वॉल्यूम का परसेंटेज है? ओनली 1%. देन हमारा मेंटल है वो 84% का से बनाए, देन कोर है वो 15% से बनाए. ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर. और जो हमारे अर्थ का रेडियस है, रेडियस क्या होता है? ये होता है ना, ऐसा होगा, आधा यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो. जो हमारे अर्थ का रेडियस है वो क्या है, कितना बोल रहे हैं? 6371 किलोमीटर. अगर हाँ हमें बोलते कि डायमीटर, तो डायमीटर चलो पूरा ऐसा हो जाता. इतनी तो मैथ्स मतलब सही है ना, गलत तो नहीं बोल रही. तो यहाँ हमारा बात हो रही रेडियस की, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा? रेडियस तो हमारा आधा रहेगा. तो ये हमारा रेडियस कितना बता रहे? 6371 हमारा अर्थ का रेडियस है. ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ, क्या बोल रहे हैं डू यू नो में, हमें बता रहे हैं कि क्रस्ट 1%, मेंटल 84 और कोर 15% के अर्थ के वॉल्यूम से बना हुआ है. आया समझ में? चलें आगे, समझे चीज़ों को अच्छे से. चल आगे चलते हैं. अब ये देखिए, द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. जो भाई रेड फोर्ट है, जो लाल किला है, दिख रहा है लाल किला किससे बना है? रेड सैंडस्टोन से बना है. जो हमारा लाल किला है वो लाल सैंडस्टोन से बना हुआ है. वैसे ही जो ताजमहल है हमारा वाइट मार्बल से बना हुआ है. किससे बना है? वाइट मार्बल से. अब हम बात करें सैंडस्टोन और मार्बल की, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, याद करो. हम क्या देख रहे थे यहाँ पे? सैंडस्टोन हम किसके लिए पढ़ रहे थे, याद करो. हम सेडिमेंट्री रॉक जो हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में? सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ रहे थे. तो हम पढ़ रहे थे ना सैंडस्टोन का. जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ रहे थे. हम स्टोन का पढ़ रहे थे, अभी याद आ जाएगा आपको. ये देखिए, स्मॉलर पार्टिकल में होते, टूटते, उसके बाद उड़ के हवा पानी के साथ, ये जो सेडिमेंट जो पार्टिकल होते हैं हवा या पानी के साथ उड़ के धीरे धीरे जमा हो जाते हैं. और कैसे हो जाते हैं भाई? ये हार्ड हो जाते हैं, एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक बनती है. ठीक है भाई, सेडिमेंट्री रॉक बनती है. हमने देखा था जैसे सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है. सैंडस्टोन क्या है? सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल है. आया समझ में? ठीक है, ये हमने देखा था. तो हमने सैंडस्टोन का क्या देखा कि भाई जो हमारा लाल किला है, रेड सैंडस्टोन यानी हमारी इग्नियस की सेडिमेंट्री, कौन सी रॉक से बना है? यानी हमारी सेडिमेंट्री रॉक से बना है क्या? रेड फोर्ट. उसके बाद दूसरा है हमारा मार्बल की बात हो रही, वाइट मार्बल की बात हो रही. तो ये किससे बना है ये आप मुझे बताइए. चलिए फटाफट से. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर.
आप ये चीज सुन के या देख के बहुत हैरान होंगे क्या कि भाई जो एक टाइप की रॉक है वो चेंज होती है अनदर टाइप की रॉक में कुछ सर्टेन कंडीशन को लेके, साइक्लिक मैनर में. मतलब जब एक रॉक दूसरी रॉक में कन्वर्ट हो रही है ना, मतलब चेंज हो रही है, तो एक साइक्लिक मैनर में हो रही है, ऐसे साइकिल चल रही, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन रॉक टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल. भाई रॉक साइकिल क्या होगी, जब साइकिल चीज में चल रही, साइकिलिंग मैनर में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, जैसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही, तो क्या साइकिल जैसा हो रहा है ना, साइकिल जैसे चलती जाती, तो साइकिलिंग मैनर में हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं रॉक साइकिल. जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही है साइक्लिक मैनर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल. यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइज टू बिकम इग्नियस रॉक. ये हमने देखा था, जब मॉल्टन मैग्मा क्या होता है, कूल होता है, जो मैग्मा से निकलता है ना एकदम से कूल होता है और हार्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो क्या बनती है हमारी, इग्नियस रॉक बनती है. हमने देखा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था. अंदर जो होता है वो इंट्रूसिव हमने रॉक का देखा था, जो बाहर से निकल के सरफेस पे आती है हार्ड हो जाती है, वो हमने एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक देखा था, याद आया. These igneous rocks are broken down into smaller particles, small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब क्या होता है, ये जो igneous rock हैं ये क्या हो जाती हैं भाई, टूटती हैं और small particles में जो transport होती है और deposit हो जाती है, form करती है sedimentary rock, deposited to form sedimentary rock. अब समझते हैं भाई, जब ये igneous rock है ना, ये क्या होगी, टूटेगी, छोटे छोटे particles में बनेगी, कौन सी rock, igneous rock. फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी कहीं एक जगह पे, तो क्या बनाएगी, वो सेडिमेंट्री रॉक बनाएगी. आया समझ में, देखिए इस तरीके से चीज़ें चल रही है. ये हम कहाँ से शुरू करें, इग्नियस रॉक, अब समझ में आएगा. ये इग्नियस रॉक है, ये ऐसे टूटी, टूट गई, ब्रोक हो गई, देन यहाँ पे ऐसे जम गई, यहाँ पे जम गई, तो क्या बन गई, इग्नियस रॉक से हमें बनी सेडिमेंट्री रॉक. आया समझ में, जो इग्नियस रॉक थी वो भाई मॉल्टन मैग्मा से कैसे बनी, भाई ये बढ़िया मैग्मा से पिघल के यहाँ पे बन गई, उसके बाद खुद टूट गई बिचारी, कि भाई चलो मैं दूसरी रॉक बनाऊंगी तो मैं टूट जाती हूँ, टूट के यहाँ जुड़ी, मतलब जब यहाँ जमा हो गई, धीरे धीरे डिपॉजिट हो गई. हम बोलते ना पैसे जमा करना है, डिपॉजिट करना है, धीरे धीरे डिपॉजिट करके हम देखते ना अच्छा खासा बैलेंस हो जाता है, तो ऐसे धीरे धीरे जमती गई, इकट्ठा होती गई, तो क्या बनी, ये सेडिमेंट्री रॉक बनी. आया समझ में, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई रॉक साइकिल, रॉक साइकिल में क्या होता है, जब एक रॉक दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्मेशन चलता है साइक्लिक मैनर में, तो ये हो जाती है हमारी रॉक साइकिल. आगे बढ़ते हैं. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. Metamorphic rock में कैसे बनती है, कि जब igneous और sedimentary rock क्या होती है, उनको heat देते हैं, pressure देते हैं, तो वो change हो जाती है, किसमें, metamorphic rock में. देखो इस तरीके से हो रहा है ना, जैसे sedimentary rock है, इनमें heat और pressure दिया, igneous और heat इसमें दोनों में, तो ये क्या बना रही है भाई, ये metamorphic rock बना रही है. इस तरीके से जब इन दोनों rocks में हीट दिया, प्रेशर दिया, तो किसको बना रही है, मेटामॉर्फिक रॉक. द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा. अब क्या हो रहा है, साइकिल की बात हो रही ना, साइकिल खत्म तो होने वाली चीज़ होती नहीं है. अब जब ये बन गया, तो इसके बाद ये साइकिल में कहाँ जा रहा है, अब क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक को हीट और प्रेशर में रखा जाएगा. जब ये हीट प्रेशर में हो जाएगा, तो मॉल्टन मैग्मा यहाँ पे वो बना लेगी, देन उस मैग्मा से बनेगी इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक टूटेगी, सेडिमेंट रॉक बनेगी, सेडिमेंट्स बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी, देन फिर जो मेटामॉर्फिक रॉक बनाएगी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक को हीट एंड प्रेशर देंगे, वो दोबारा से मॉल्टन मैग्मा बनाएगी. साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही, चल रही है ना. तो द मेटामॉर्फिक रॉक विच are still under great heat and pressure down to form magma. मतलब melt down करते हैं उन्हें, क्या बनाती है, molten magma. मतलब जब किसको कहाँ रखा जाता है, अच्छे heat और pressure में रखा जाता है metamorphic rock को, तो वो form कर देती है हमारा भाई molten magma. This molten magma again cool down and solidify into igneous rock. साइकिल बन गई. जब ही molten magma क्या होता है, फिर से कूल डाउन होता है और मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, हार्ड फॉर्म में हो जाता है, तो ये बनाता है igneous rock. अब समझ में आए, एक बार और देखते, देखें रॉक साइकिल क्या होती है, जब एक रॉक जो हम देख रहे हैं दूसरी रॉक में ट्रांसफॉर्म हो रही, बदल रही, साइक्लिक मैनर में, ठीक है. अब अगर हम देखें, हमने देखा सबसे पहले शुरुआत यहाँ से हो गई, भाई मैग्मा से शुरुआत हो गई, ये रॉक नहीं है, रॉक तो हमारी मेन ये है, ये तीन हमारी रॉक है, बट शुरुआत मैग्मा से हुई, मैग्मा आया, मॉल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा, जब वो मैग्मा गरम गरम ऐसे ठंडा हो गया, एकदम से हार्ड हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, अब वो सॉलिड फॉर्म में आया तो सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक में बदल गया. किस में बदला, इग्नियस रॉक में बदला. सबसे पहली प्राइमरी रॉक होती है हमारी इग्नियस रॉक, याद है कि नहीं, याद आया ना, तो मॉल्टन मैग्मा पिघला और इग्नियस रॉक में, मतलब हार्ड होने के बाद इग्नियस रॉक बन गया, ठीक है भाई.
इग्नियस रॉक ने कहा कि भाई मुझे दूसरा भाई भी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड भी हो या मेरा भाई भी आए साथ में इस साइकिल में, तो सेडिमेंट्री रॉक बनाना है मुझे, तो खुद टूट जाता हूँ। उसने बोला चलो मैं अपने भाई के लिए भाई के खाते टूट जाता हूँ, तो छोटे मोटे सेगमेंट से सेडिमेंट्स में बन गया। देन ये सेडिमेंट क्या हुई, इकट्ठा हवा पानी के थ्रू जमती गई, डिपॉजिट होती गई और क्या हो गई, हार्ड हो गई, और भाई एक क्या बना ली, सेडिमेंट्री रॉक बना लिया। क्या बना लिया, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गई। अब इन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम दोनों मिलके भले ही खुद हीट में रह लें, भले ही हमें कोई प्रेशर डाले, हमें हीट में रखे, हम पर क्या बनाएंगे, मेटामॉर्फिक रॉक को बनाएंगे। भाई तीसरी रॉक भी हमें चाहिए हमारे साथ ले, भले ही हमें हीट मिले प्रेशर मिले हम बनेंगे। तो ये दोनों मिलके क्या, इन दोनों को हीट एंड प्रेशर मिल रहा है, ये बना रही है तीसरी हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी है, ये तो मैं शुरुआत का है तो इसलिए मैंने वो बना दिया था वन। देन अब क्या होगा, मेटामॉर्फिक रॉक कहेगी कि यार ये लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रहूं, मैं भी क्या करता हूं, मुझे भी हीट और प्रेशर में पिघला और मैं भी बन जाऊंगा वापस मॉल्टन मैग्मा। तो वो भी बोल रही कि मैं वापस भाई मॉल्टन मैग्मा बनूंगा। मैग्मा बोलेगा बस फिर मेरा काम फिर से शुरू, मुझे दोबारा बना दिया, मैं क्या करूंगा, मैं हार्ड हो जाऊंगा, मैं इग्नियस बनूंगा। ऐसे करते करते साइकिल पूरी चलती है। आया समझ में क्या होती है रॉक साइकिल, जब रॉक ट्रांसफॉर्म होती है दूसरी रॉक में, चेंज होता है फॉर्म, वो होती है रॉक साइकिल। एक बार और देखें, मैग्मा से इग्नियस रॉक, पहली रॉक बनी टूटी, हमारी दूसरी रॉक बन गई सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, इन दोनों रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री को हीट में डाला, प्रेशर में डाला, तो भाई मेटामॉर्फिक रॉक बन गई। मेटामॉर्फिक रॉक बोली आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रहूं, मैं भी भाई हीट में रहूंगी, प्रेशर में रहूंगी और मैग्मा बना दूंगी। जिस मैग्मा से शुरुआत होती तो वो मैग्मा मैं बनाऊंगी। तो मैग्मा शुरुआत में आया, फिर मैग्मा ने कहा चलो भाई अब जब मैं बन ही गया हूं तो अपना काम भाई कूल ऐसे निकलने का, गरम गरम ऐसे मॉल्टन मैग्मा और ठंडा होने का काम करता हूं, रॉक बनने की साइकिल में शामिल हो जाता हूं। तो ऐसे होती है पूरी रॉक साइकिल। आया समझ में, कन्फ्यूजन दिक्कत तो हटी, हटी कि नहीं हटी ये बताओ, और लाइक करा कि नहीं करा, अभी तक लाइक करा कि नहीं करा, हमने रॉक साइकिल कंप्लीट कर ली है। आया समझ में, कर दिया लाइक, कमेंट कर दिया, आगे बढ़ते। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, भाई जो हमारी रॉक्स है अलग अलग मिनरल्स से मिलके बनती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल क्या होते हैं, मिनरल भाई नेचुरल मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ये ध्यान रखना, कुछ बना नहीं रहे, कंपोज नहीं कर रहे, नेचर से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है। तो मिनरल आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं नेचुरल अकरिंग सब्सटेंसेज है, विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी होती है और केमिकल कंपोजिशन भी होता है, किन का, मिनरल का। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड, भाई ह्यूमन काइंड के लिए जो मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। सम आर यूज एज फ्यूल्स, कुछ को तो हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। भाई क्यों है मिनरल्स, क्या है मिनरल्स, अभी समझ में आएगा। क्या कोल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नेचुरल गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई पेट्रोल पेट्रोलियम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात करें इंडस्ट्रीज में कैसे यूज़ होती, तो क्या आयरन एल्यूमिनियम गोल्ड, भाई जिसके लिए तो इतने गोल्ड की तो क्या ही बोलें, गोल्ड के तो इतने चर्चे हैं भाई, यूरेनियम एट्सेट्रा, मेडिसिन और फर्टिलाइजर किस में यूज़ है कि नहीं, मेडिसिन हो गया फर्टिलाइजर में यूज़ है कि नहीं। तो आप समझ में आए मिनरल क्या होते हैं, अभी तो आप सोच रहे हैं होते क्या है मिनरल, कोल हो गया, नेचुरल गैस पेट्रोलियम, गोल्ड हो गया आपका, आयरन एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये सब आपके मिनरल हैं जो नेचर से मिलते हैं, हम कोई बना नहीं रहे बैठ के, नेचर से मिले हैं और इनका अपनी केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसीलिए मिनरल जो ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी है कि नहीं। भाई गोल्ड देख के कौन खुश नहीं होता, होते हैं ना खुश, मम्मी लोग तो कुछ ना कुछ बनवाती रहती हैं, ठीक है। तो क्या है भाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं, गोल्ड क्या और भी चीज़ें देख लो, पेट्रोल के बिना, नेचुरल गैस के बिना, कोल के बिना काम कैसे चलेगा, बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक है, आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन दिक्कत परेशानी तो नहीं, चलो। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। हमने मेजरली इस टॉपिक में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा, थ्री टाइप्स की हमने रॉक पढ़ी और वही तीन टाइप्स की रॉक कैसे कैसे साथ देती हैं और पूरी रॉक साइकिल बनाती है वो भी हमने अच्छे से पढ़ा। मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मिनरल्स होते हैं, कैसे होते हैं, नेचुरली मिलते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कोल हो गया हमारा, हमने देखा हमारा यूरेनियम हो गया, साथ में हमने कोल नेचुरल गैस ये सारी चीज़ें देखी, तो आपको समझ में आया होगा रॉक एंड मिनरल ये टॉपिक। इसी के साथ ये आपका चैप्टर भी एंड होता है। थोड़ा सा आपको लगा बड़ी ही जल्दी एंड हो गया, बट ऐसे ही था और इस चीज़ों को अच्छे से समझा गया। कोई दिक्कत परेशानी की बात जो भी हो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्डरविंस के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन और आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि आपको हाई क्वालिटी और 100% फ्री
अच्छे कंटेंट क्वालिटी में और 100% मुफ्त आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।